नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको ईएसपी का एक फॉल्ट के बारे में समझाऊंगा। ये जो ईएसपी कंट्रोलर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ईएसपी कंट्रोलर एफएल स्मिथ पैक डीसी का कंट्रोलर है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अभी ऑफ है, यानी ट्रिप हो गया है। पहले चल रहा था लेकिन कुछ फॉल्ट आया, उसकी वजह से ये ट्रिप हो गया। तो कौन सा फॉल्ट में ट्रिप हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका डिस्प्ले में आपको कुछ फॉल्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो कौन सा फॉल्ट है दोस्तों? टीआर ऑप्शनल अलार्म। तो टीआर ऑप्शनल अलार्म क्या है, तो ये फॉल्ट अगर आ जाए तो आपको कैसे ट्रबल शूटिंग करना है, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो अगर आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे एफएल स्मिथ का ईएसपी कंट्रोलर है, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो ईएसपी कंट्रोलर का इनसाइड में क्या क्या इक्विपमेंट होता है दोस्तों, सबसे पहले एक बार देख लीजिए। ईएसपी कंट्रोलर के अंदर आपका रहेगा कंट्रोल ट्रांसफार्मर रहेगा, कुछ कंट्रोल कार्ड रहेगा, फायरिंग कार्ड रहेगा, एक आइसोलेटर रहेगा और आपका हीटसिंक या थायरिस्टर वहां पर रहेगा। तो मेनली ये कुछ इक्विपमेंट ईएसपी कंट्रोलर का अंदर में रहता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो फैन आपको दिखाई दे रहा है, एक है पैनल कूलिंग फैन, दूसरा वाला फैन है हीटसिंक को कूल करने वाला, यानी थायरिस्टर को जो कूल करेगा उसका एक फैन है। ये देख रहे हैं दोस्तों, उसका थायरिस्टर हीटसिंक, उसका टॉप में एक फैन लगाया गया है। तो ये फैन क्यों लगाया गया है, फैन का काम क्या है? फैन का काम है कूलिंग करना, यानी यहाँ पे ये थायरिस्टर का ऊपर में जो फैन है वो थायरिस्टर को कूल करेगा और पैनल का जो फैन है दोस्तों, पैनल को वेंटिलेशन करेगा, पैनल को भी कूल करेगा, उसका टेम्परेचर को थोड़ा कम करेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसका बैक साइड में भी हम लोग एक एसी लगाए हैं। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर का जो थायरिस्टर है दोस्तों, थायरिस्टर बहुत ही टेम्परेचर पैदा करता है, तो जिसकी वजह से इसका इनसाइड टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और मान लीजिए समर सीजन है, तो समर सीजन में इसका टेम्परेचर बहुत ही राइज हो जाता है। तो टेम्परेचर को कम करने के लिए आप जितना कूलिंग करेंगे उतना अच्छा रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमने एयर कंडीशन का भी यूज किया है। तो बता दूं दोस्तों, ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर का ये जो फॉल्ट आया है, यानी टीआर ऑप्शनल अलार्म, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ये ऑप्शनल फॉल्ट में ट्रिप हुआ है। तो अभी हमने इसको रिसेट कर दिया, रिसेट करना बहुत ही आसान है, अलार्म रिसेट बटन को आप दबाएंगे तो ये रिसेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एफएल स्मिथ का ये ईएसपी कंट्रोलर है। रिसेट करने के बाद दोबारा हम इसको स्टार्ट कर दे, यहाँ पे आप देख रहे हैं उसका डिस्प्ले में आप देख रहे हैं वोल्टेज एंड मिलियम्पियर शो कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये अभी रनिंग कंडीशन में है। लेकिन अभी तक हम इसका फॉल्ट को सॉल्व नहीं किए हैं, हमको तो मालूम पड़ गया ये ऑप्शनल अलार्म में ट्रिप हुआ है, जिसका मतलब है कि इसका कूलिंग फैन का कुछ इश्यू होगा, यानी टेम्परेचर राइज हो गया है। तो चलिए कूलिंग फैन को एक बार देख लेते हैं रनिंग कंडीशन में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कूलिंग फैन भी नहीं चल रहा है और यहाँ पे आप जो कूलिंग फैन देख रहे हैं दोस्तों, चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाला कूलिंग फैन भी नहीं चल रहा है, यानी हीटसिंक तो हीट पैदा करेगा, उसको कूल करने के लिए कूलिंग फैन लगाया गया है, लेकिन कूलिंग फैन काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। तो इसका मतलब है कि कूलिंग फैन खराब है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल डाउन नहीं हो रहा है और कुछ ही देर बाद ये दोबारा सा ट्रिप हो जाएगा, सेम फॉल्ट में ये ट्रिप हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो बाकी दो कंट्रोलर है उसको थोड़ा देख लेते हैं। इसका भी सेम दो कूलिंग फैन है, हीट सिंक के ऊपर एक फैन है और पैनल का एक कूलिंग फैन है। तो अभी हमको क्या चेकिंग करना है दोस्तों, अभी हमको पता चल गया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कूलिंग फैन नहीं चल रहा है। तो यहां पे और एक रीजन हो सकता है कूलिंग फैन खराब हो। तो कूलिंग फैन खराब है कि नहीं कैसे मालूम करेंगे, तो उसको देखने के लिए कैसे चेकिंग करते हैं चलिए एक बार देख लेते हैं। तो बता दूं, ये जो कूलिंग फैन है दोस्तों, कूलिंग फैन 230 वोल्ट में ऑपरेट होगा, यानी उसका जो वोल्टेज है दोस्तों 230 वोल्ट है ये दोनों कूलिंग फैन का। तो यहां पे ज्यादातर इशू रहता है दोस्तों, ये वाला जो हीटसिंक का कूलिंग फैन है ये वाला खराब होगा। यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों, फील्ड वन का जो कूलिंग फैन है वो अभी चल रहा है, यहां पे आप देख रहे हैं, यानी हमेशा वो चलता रहेगा। तो कूलिंग फैन कैसे बंद होगा? कूलिंग फैन जब ये टेम्परेचर 60 डिग्री से नीचे आ जाएगा तो कूलिंग फैन बंद हो जाएगा। यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों, उसका थर्मोस्टाट, ये देख रहे हैं उसका कंट्रोल ट्रांसफार्मर का साइड में देखिए व्हाइट कलर में दो थर्मोस्टाट है,
ऊपर में एक है नीचे में एक है, तो ऊपर का जो थर्मोस्टाट है दोस्तों उसका सेटिंग 20 एम्पियर हमने यहां पे रखा है, यानी जब 20 एम्पियर से नीचे आ जाएगा तो ये पैनल कूलिंग फैन बंद हो जाएगा और नीचे वाला जो थर्मोस्टाट है दोस्तों ये हीट सिंक का कूलिंग फैन है, यानी जब 60 डिग्री से नीचे आ जाएगा तो ये फैन बंद हो जाएगा। यहां पे देख रहे हैं दोस्तों उसका सेटिंग यहां पे रखा हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री से जब नीचे आ जाएगा तो कूलिंग फैन बंद होगा, जब 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ये कूलिंग फैन स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पे और एक भी सेंसर है दोस्तों, जो सेंसर किसका टेम्परेचर को मेजर करेगा, ये हीट सिंक का टेम्परेचर को मेजर करेगा, यानी जो थायरिस्टर लगाया गया है थायरिस्टर का टेम्परेचर को मेजर करेगा। यहां पे आप ड्राइंग में देख रहे हैं दोस्तों कंट्रोल सप्लाई है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट में ये कंट्रोल होगा। और यहां पे आप देख रहे हैं दो सेंसर लगाया गया है, एक है B4 उसका ऊपर में एक है B2, तो B2 जो है दोस्तों वो है हीट सिंक का जो सेंसर है उसका टेम्परेचर सेंसर का नाम है B2, और B4 जो लिखा गया है वो जो मैं बड़ा बड़ा आपको व्हाइट कलर का थर्मोस्टाट दिखा रहा था नीचे वाला जो है वो है B4। तो आपको इसी तरह से ड्रॉइंग में आपको स्टडी करना है कैसे ये अलार्म जनरेट होता है। तो यहां पे B2 एंड B4 ये दोनों ऑप्शनल अलार्म के लिए यूज किया गया है, तो B2 को थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हीट सिंक का टेम्परेचर सेंसर कहां पे लगा हुआ है, ये देखिए दोस्तों यहां पे दो ओयर आपको देख रहे हैं, ये देखिए ये हो गया उसका B2 जो कि ये हीट सिंक का टेम्परेचर को मेजर करेगा, और ड्राइंग में लिखा हुआ है B2 80 डिग्री सेल्सियस, यानी जब ये 80 डिग्री क्रॉस हो जाएगा ये हीट सिंक का टेम्परेचर तो ये ऑप्शनल अलार्म जनरेट करेगा। तो हीट सिंक का टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे, आप लोग टेम्परेचर गन से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, मेजर करने से आपको पता चलेगा कितना टेम्परेचर ले रहा है। तो सिमिलरली यहां पे B4 लिखा गया है वो भी एक थर्मोस्टाट है, ये दोनों यानी B2 एंड B4 दोनों यूज किया गया है ऑप्शनल अलार्म के लिए। सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि कूलिंग फैन में पावर सप्लाई जा रहा है कि नहीं, तो कूलिंग फैन में यहां पे देखिए दोस्तों टेस्टर लगा के मैं चेक कर रहा हूं, ये उसका न्यूट्रल ऊपर में उसका फेज, यहां पे देखिए फेज का वोल्टेज शो कर रहा है, टेस्टर ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये कूलिंग फैन खराब है, सप्लाई जा रहा है लेकिन कूलिंग फैन नहीं चल रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको रिप्लेस कर दिए हैं, एक नया कूलिंग फैन यहां पे लगा दिए हैं, तो ये करने से आपका ये जो प्रॉब्लम था ऑप्शनल अलार्म ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आप क्या करेंगे बार बार जितना बार रिसेट करेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसलिए प्रॉब्लम कहां पे हुआ है सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है, उसको सॉल्व करना है, रिसेट करने से काम नहीं चलेगा, आपको सबसे पहले कॉज का पता लगाना है क्यों ये ट्रिप हो रहा है। तो यहां पे ये कूलिंग फैन नहीं चल रहा था जिसकी वजह से ये टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा था और ये बार बार ट्रिप हो रहा था। तो कूलिंग फैन को आप रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका पावर को आपको काटना पड़ेगा, ये जो आइसोलेटर देख रहे हैं दोस्तों आइसोलेटर को ऑफ करना पड़ेगा, पावर को पूरा काटना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग इसको रिप्लेस करेंगे।